तो दोस्तों पतंग का सीजन आ गया है वापस और आप में से बहुत सारे लोग जा रहे होंगे बाजार में मांझे खरीदने के लिए, पर आप लोग कंफ्यूज होंगे कि आपको कैसा मांझे खरीदना चाहिए, आखिर क्या है टिप्स कि आप एक अच्छा मांझा परचेज कर पाए। तो आप चिंता मत कीजिए, मैं आ गया हूँ आपके साथ एक और कमाल की वीडियो को लेकर। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप एक अच्छा मांझा लेने के लिए किन किन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए, ठीक है? तो बने रहिएगा आज की वीडियो के साथ अंत तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि गाइस हमारा एक दूसरा चैनल है दैट इज मैजिक वैजिक, उसका लिंक आपको मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। आप प्लीज़ नीचे जाइए एंड उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड हमें सपोर्ट कीजिए। उस पर हम काफ़ी अच्छी अच्छी मैजिक अपलोड करते हैं, सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों सबसे पहली टिप आपको मांझा लेने के लिए, आप जब भी मांझा लें तो ध्यान रखिए आप मांझे ऐसे हाथ लगा कर देखिए कि मांझा पतला होना चाहिए, ठीक है? अब आप कहोगे ये मुझे पता है, पर इसके पीछे की साइंस में आपको बता देता हूँ कि आखिर क्यों। तो यार देखो, जो अगर मांझा आपका पतला होगा अगर आपका मांझा पतला होगा तो हवा में जो है वो बिल्कुल कैड़ा हो जाएगा, वो ऐसे ढीला नहीं लगेगा। अगर आप मोटा मांझा लेते हो तो वो हवा के मतलब कि पूरा टाइट नहीं होगा, वो ढीला पड़ जाएगा, ऐसे लमक जाएगा, जिससे कि अगर किसी पतंग से आपका पेचा लगेगा तो वो जो है वो दूसरी डोर पर रगड़ नहीं लगा पाएगा, मतलब कि घिस नहीं पाएगा, क्योंकि ढीला हो जाएगा तो आपकी पतंग कट जाएगी। पर अगर वहीं आपका मांझा पतला होगा तो वो पूरा कैड़ा हो जाएगा हवा में और वो दूसरे की डोर पर बहुत अच्छी रगड़ डालेगा और काट देगा, ठीक है? तो ये था रीज़न कि आपका मांझा पतला होना चाहिए, ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो दूसरी टिप मैं आपको बताता हूँ, दूसरी टिप आपकी होनी चाहिए कि आपका मांझा स्ट्रेचेबल होना चाहिए, ठीक है? आपका मांझा ऐसे करने पर स्ट्रेच होना चाहिए, ठीक है? ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा बहुत स्ट्रेच होना चाहिए। इससे क्या होने वाला है, एक तो आपका मांझा पतला है, दूसरा आपका मांझा स्ट्रेचेबल है। तो क्या होने वाला है, आपका मांझा एक तो पतला है और जब आपका मांझा पतला है और स्ट्रेच हो जाएगा तो और भी ज़्यादा पतला हो जाएगा और बहुत मतलब कि पतंग काटेगा और बहुत अच्छा मांझा माना जाएगा, ठीक है? तो ये था दूसरा कारण और दूसरी टिप, ठीक? तीसरी टिप आपको ये है कि आपका मांझा प्रॉपर उस पर इक्वल कंच लगाओ हर जगह, ठीक है? ऐसे भी नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर ज़्यादा कंच लगा हुआ है, यहाँ पर थोड़ा कम कंच लगा हुआ है, ठीक है? तो ये नहीं होना चाहिए। आपको मांझे को ऐसे हाथ लगाकर ऐसे चेक करना है कि उसकी जो धार है वो प्रॉपर दी हो, ऐसे नहीं कि कहीं ज़्यादा कहीं कम, ठीक है? तो प्रॉपर कंच दिया होना चाहिए और उस पर कंच होना चाहिए, काफ़ी मात्रा में कंच होना चाहिए और प्रॉपर दिया होना चाहिए, ठीक है? तो ये एक टिप थी। टिप नंबर 4 की बात करें तो ये जो है वो एक चाइनीज़ मांझा के लिए है ये टिप, ठीक है? तो आपकी जो मांझा है वो आपको देखना है, उस पर जो है वो शॉक प्रूफ का लेबल लगाओ, ठीक है? तो ये बहुत ज़रूरी है, ये आपकी सेफ्टी के लिए गाइस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके मांझे पर शॉक प्रूफ का लेबल लगा होना चाहिए, क्योंकि आजकल जो चाइनीज़ मांझे आ रहे हैं उन पर मतलब कि कुछ मांझे ऐसे हैं कि जिन पर शॉक प्रूफ नहीं होते और करंट लगने के चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है? तो इस बात का जरूर ध्यान रखें, शॉक प्रूफ का लेबल लगाओ। तो दोस्तों ये थी हमारी एक छोटी सी वीडियो, अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को नीचे लाइक कीजिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो बाय बाय, फिर से एक नई वीडियो के साथ।